हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इमोशनल बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द थियोरी दैट होल्ड्स दैट बिहेवियर इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन इज रेफर्ड टू। एक ऐसी थियोरी जहाँ पे बिहेवियर जो है वो बायोलॉजी और एवोल्यूशन से कनेक्टेड होता है, उसे क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल थियोरी, एट्रियोलॉजिकल थियोरी, एरिक्सन, एपिगेनेटिक थियोरी या फिर डार्विन्स थियोरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन्स थियोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019, वन ऑफ द न्यू एलिमेंट इज। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी 2019 में, तो उसमें न्यू एलिमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? इंक्लूजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फादर्स एजुकेशन, फोकस ऑन एडोलेसेंट एजुकेशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। आपके पास चार ऑप्शंस है, आपको बताना है कि इसमें जो न्यू पॉलिसी आई है इसमें किस चीज पे फोकस किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इंक्लूजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। बच्चों को जल्दी स्कूल में डालना, उससे पहले उन्हें प्री स्कूल में डालना, ये सारी फॉर्मल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को ECCE भी बोला जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और NEP ने इंट्रोड्यूस किया है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन विद एवरेज इंटेलिजेंस हु हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग राइटिंग मैथ्स आर लाइकली टू हैव। ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एवरेज इंटेलिजेंस लेवल होता है और उन्हें रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब ऐसे बच्चे जिनका लो IQ है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में उसको दिक्कत आ रही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर बच्चा रीड, राइट और मैथ्स नहीं कर पाता, जो कि बहुत बेसिक से स्किल्स हैं, तो इसका मतलब बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द थर्ड स्टेज इन एरिक्सन्स थियोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड। आप सब जानते हैं एरिक्सन ने टोटल 8 स्टेजेस दी हैं, उसमें से थर्ड स्टेजेस कौन सी है? ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेज आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। ये थर्ड स्टेज होती है जो एरिक्सन के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक प्रेमाइस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज। एक ऐसा बेसिक प्रेमाइस है जो प्रोहिबिशन एक्ट है बच्चों के लिए 2006 में इनिशिएट किया गया था, तो उसमें क्या बोला जा रहा है या उसका रूल क्या है, बेसिक रूल? अ चाइल्ड कैन बी मैरिड ओनली आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एज, मेकिंग अ चाइल्ड गो थ्रू मैरिज इज एन ऑफेंस, अ गर्ल और बॉय इज माइनर अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, अ गर्ल इज माइनर अप टू 18 एंड बॉय इज अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम एक गर्ल को देखते हैं तो गर्ल 18 ईयर्स तक माइनर स्टेज में है, 18 ईयर से पहले आप उसकी शादी नहीं करा सकते और बॉय की शादी 21 ईयर्स तक नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सेटअप एंड एवरीथिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट चाइल्ड मैरिज इज बैन इन इंडिया, बट आफ्टर 18 एंड 21 द इंडियन कोर्ट हैज रेगुलेशंस फॉर द चाइल्ड एंड बॉयज मैरिज। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब मैट्रियार्कियल फैमिली। एक ऐसी फैमिली जिसमें मदर हेड ऑफ द फैमिली मानी जाती है, जो ज्यादातर साउथ इंडिया कल्चर में फॉलो किया जाता है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मैट्रियार्कियल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। अथॉरिटी वेस्ट इन वेमेन हेड ऑफ द फैमिली, फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत क्लियरली स्टेट करती है कि वेमेन इज अ हेड ऑफ द फैमिली। सेकेंड स्टेटमेंट इज मैरिज रिलेशंस आर ट्रांजिएंट, द हस्बैंड इज समटाइम्स अ कैजुअल विजिटर। ये बोला जाता है कि मैरिज रिलेशंस कॉन्स्टेंट नहीं होते, वो एक ट्रांजिएंट रिलेशनशिप है,
हस्बैंड कभी कभी कैजुअल विजिटर की तरह घर में विजिट कर सकते हैं। डिसेंट इज थ्रू द मदर, डिसेंट जो होगा वो मदर से आएगा। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मदर, प्रॉपर्टी सारी मदर के उससे ट्रांसफर की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। मैरिज रिलेशंस आर ट्रांजिएंट एंड हस्बैंड इज अ कैजुअल विजिटर, ऐसा कुछ नहीं होता। मैट्रियार्कियल फैमिलीज में हेड ऑफ द फैमिली मदर है, बट हस्बैंड कैजुअल विजिटर नहीं है। हस्बैंड वहां पे कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में देखा जाता है। द टर्म यूज टू रेफर टू अ पर्सन हु कंट्रोल्स और सिलेक्ट द कंटेंट दैट टीचेस द ऑडियंस इज कॉल्ड। एक ऐसी टर्म जिससे एक पर्सन है जो कंट्रोल करता है कि क्या कंटेंट ऑडियंस तक जाना चाहिए, वॉचमैन, गेटकीपर, हाउसकीपर या फिर गार्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेटकीपर। ध्यान रखिएगा अगर कम्युनिकेशन में कभी भी बैरियर आता है, सो गेटकीपर इज अ हेड हु कंट्रोल्स व्हाट द कंटेंट और व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट विल रीच टू द ऑडियंस। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड बी अचीव बाई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो बताता है कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो अचीव हो सकती है प्रोडक्टिविटी से, इकोनॉमिक ग्रोथ से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से। आइए ऑप्शंस की तरफ। न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है ये, इंटरडिपेंडेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट या फिर बेसिक नीड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। ये बताता है कि ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सब इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन अचीव्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप अप्रोच फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। एक ऐसी अप्रोच जो कम्युनिकेशन एक्सटेंशन के लिए नहीं चलती, वर्कशॉप, होम विजिट, ट्रेनिंग या फिर डेमोन्स्ट्रेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होम विजिट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, काइंडली गिव अ लाइक, share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.